बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? घरों में सब ठीक है? कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? माइंड वॉज गुड। लाइफ हैज़ बीन वेरी वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव, ब्यूटिफुल, अमेजिंग। आज हम लोगों ने इस हवाले से गुफ्तगू करनी है। इट्स समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। देर मैनी थिंग्स दैट मोस्टली वेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग थिंग्स, तो हम एक जो अहम चीज़ होती है, हम बात करते हैं कि हम अपने थाट्स को, अपनी सोचों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। और अपनी सोचों को खूबसूरत बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत होगी, सोचों का रुख बदला जाएगा तो हमारी ज़िंदगी का रुख भी बदला जाएगा। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन मेक आर लाइव्स, आर डेज, आवर यू नो, आर एवरीथिंग अराउंड अस रियली ब्यूटिफुल। यू नो, जो हम खाते हैं या हम जो पीते हैं उसका हमारी सोचों के ऊपर बहुत असर होता है। और हम जो खा पी रहे होते हैं या कोई, यानी कोई चीज़ जो हमारे सामने पड़ी हुई है खाने के लिए, जब हम उसके ऊपर अपनी सोचें जो हैं वो अच्छी सोचें डालते हैं, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बचपन में हमेशा ये सुना कि हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं कि जब भी खाना खाने के लिए बैठो तो एक तो इधर उधर की बातें नहीं करो, और जब भी खाना शुरू करो तो अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह को याद करके, उसका ज़िक्र करके, ताकि उसमें बरकत आ जाए और फिर आप उसको खाएँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो थॉट्स होती हैं, ये जो माँ बाप बताते हैं, ये जो दीज वैल्यूज़ दैट इस्लाम इवन हैज़ टॉट अस, इससे, इसको अप्लाई करने से हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू मेक आर फूड, टू मेक आर फूड very healthy, and how we can energize our food, and how we can make our food sacred. किस तरह से हम उसको पाकीज़ा कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, उसको sacred कर सकते हैं with our beautiful thoughts. So this is exactly what I'm going to talk about today. हम सब जानते हैं कि हम लोगों के घरों में दस्तरखान लगते हैं आकाए दो जहान मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि ये सुन्नत है कि आका के घर में जब भी कोई आता तो खाली हाथ नहीं जाता, जब भी आता खाने का वक्त होता खाना खा के जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरखान बहुत ही वसी दस्तरखान था, और दुनिया जहान के लोग उस दस्तरखान से आके खाते और मुस्तफीद होते और अपना पेट भर के जाते। अल्लाह सुबहाना व ताला को भी अपनी इबादत के बाद जो चीज़ बहुत पसंद है वो ये है कि अल्लाह सुबहाना व ताला अपने बंदों से चाहता है कि वो जिनका पेट नहीं भरा होता उनको खिलाए। तो हम जब अपने घरों में दस्तरखान लगाते हैं तो हम अल्लाह सुबहाना व ताला का ज़िक्र करते हैं, हम अल्लाह सुबहाना व ताला की बात करते हैं, हम अल्लाह सुबहाना व ताला की याद करते हैं। मसलन क्या, कि जब भी कोई न्याज दी जाती है, नज़र दी जाती है, दस्तरखान किया जाता है, लंगर लगाया जाता है, तो हम ये कहते हैं, हमें बुज़ुर्ग बताते हैं कि न्याज के लिए आप दुरूद शरीफ पढ़ें, उनको सलाम भेजें जो वजहे वजूद कायनात हैं। फिर उसके बाद अलहम्द शरीफ हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो गुलदस्ता होता है ना, यू वी हैव टू द वे वी हैव अ, जिसे कहते हैं ना, एक गिफ्ट होता है, उस गिफ्ट को जब तक पैक नहीं करते तो उसकी वो खूबसूरती नहीं होती। इसी तरह से जब उस ये जो अब हम अल्लाह की तरफ भेजते हैं अलहम्द शरीफ, या उस खाने के ऊपर पढ़ के उसके अंदर बरकत के लिए पढ़ते हैं अलहम्द शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद 3 times, और आगे पीछे हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो वो जो दरूद शरीफ होता है वो उसकी पैकिंग होती है, उसकी रैपिंग होती है। सो वो रैप करके जब हम उस पर पढ़ते हैं तो क्या होता है, बेसिकली वो जो अल्लाह सुबहाना व ताला का ज़िक्र है, जिसमें हम उसकी हम्द कर रहे हैं, जिसमें हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जिसमें हम उससे दुआ कर रहे हैं, वो सब कुछ उस खाने में उसकी वाइब्रेशंस शामिल हो जाती हैं, और
What are those vibrations? We are, when we close our eyes and we say Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. वही जो बात मैं आपको रोज़ कहती हूँ कि when we say something like that, it is important what you are saying should think as well. वरना otherwise हम कई दफ़ा मुँह से बोल रहे होते हैं, बेशक हर लफ्ज़ की एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन अगर उसका वो जो बोला जा रहा है और जो यहाँ का कनेक्शन है, जब वो एक नहीं होगा, वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो लेवल नहीं आएगा. एक तरफ आप कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तरफ आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं और दूसरी तरफ कोई आपको खींच रहा है, तो वो आप ना इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं. सिमिलरली जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अहले बैत अतहार के ऊपर दुरूदो सलाम भेजते हैं, तो दैट्स हाउ वी कनेक्ट. और वो जो याद है और वो जो हायर पावर है, जो डिवाइन है, जो अल्लाह सुबहाना व ताला की ज़ात है, जो अपने अंदर समंदर है पीस का, जो अपने अंदर समंदर है मोहब्बत, प्यार, यू नो, हैप्पीनेस, खुशी, पीस, सुकून, हर चीज़ हमें उधर से मिलती है. वो जो क्वालिटीज ऑफ द सोल है, वो उसका मंबा है. तो जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं एंड वी कनेक्ट आवर सेल्व विद द अल्टीमेट पावर, तो जब कनेक्ट होके वो दुआ पढ़ते हैं, तो वो सारी जो खूबसूरत, पॉजिटिव, पीसफुल, पावरफुल तमाम वो वाइब्रेशंस जो हैं वो उस खाने में जाती हैं. और जब वो तमाम खाने में जाती हैं, फिर जब हम वो खाना न्याज के तौर पे देते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि वो खाना एक तो बहुत लज्जत भरा होता है, दूसरा उस खाने में बरकत बहुत होती है कि आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत दुनिया आती है, और वो ऐसी उसके अंदर बरकत होती है कि वो लोग खाते हैं. अच्छा, तबर्रुक जब हम कहते हैं, तो तबर्रुक जो है मुतबर्रिक से है, मुतबर्रिक मुबारक यानी बरकत वाला. तो वो खाना हम दुआओं में ही मांगते हैं ना, अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे. जब हम अल्लाह का नाम उसके ऊपर पढ़ते हैं, तो उस रिस्क में बरकत आ जाती है. वो उसका जो वाइब्रेशन है वो टोटल बदल जाती है. यही चीज़ हम अक्सर अपने बुज़ुर्गों से कहते हैं कि कोई लड़ाई वाली बात ना करो जब खाने के लिए बैठे. क्यों? क्योंकि जो लड़ाई वाली या कोई ऐसी बात, किसी की बुराई, नेगेटिव वाइब्रेशंस हम लोग अपने उस खाने के अंदर डाल देते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़, हम अपने घर में मे बी महीने में एक दफ़ा या चले महीने में चार दफ़ा दस्तरखान लगाते हैं, अल्लाह का जिक्र करके लोगों को खाना खिलाते हैं, न्याज होती है घर पे, हम न्याज बनाते हैं बहुत पाकीज़गी के साथ, वुज़ू करके, फिर उसके बाद हम लंगर देते हैं, यही सारा सिलसिला. मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि हमारा हर रोज़ हमारे किचन्स में बनने वाला खाना तबरुक हो, हमारे किचन्स में बनने वाला खाना लंगर बने, हमारे किचन्स में बनने वाला खाना न्याज, नज़र और वो दस्तरखान हो जो हम सजाएं अपने घर में हर रोज़. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो तीन जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें. सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपके किचन के अंदर किसी और, किसी शेफ, किसी कुक की बजाय हम खुद अपने घरों के अंदर कुकिंग करें. ख़ास तौर पे हम जो अपने बच्चों को खाना बना के खिलाते हैं, बट एट टाइम्स आई टोटली अंडरस्टैंड, एट टाइम्स द लाइफ एंड द काइंड ऑफ लाइव्स वी आर लिविंग, स्पेशली द वर्किंग वुमेन, उनके लिए समहाउ एट टाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता. मेरी पूरी कोशिश होती है, जिस तरह से मेरे घर किचन में खाना बन रहा होता है, मगर कुछ आयत का पास्ता या आयत की पिज़्ज़ा बनाना है या कुछ ऐसी चीज़, आई मेक श्योर कि वो मैं मैक्सिमम आयत के लिए ख़ुद बनाऊं. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि खाना हम सब खुद बनाएं. क्यों? क्योंकि जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप खाना बनाएंगे, वही स्टेट ऑफ माइंड आपके खाने के अंदर उसकी वाइब्रेशंस जाएंगी. जिस वक्त वो बच्चे खाएंगे, वो वाइब्रेशंस जब बच्चे खाएंगे, तो दे विल गेट द सेम वाइब्रेशन, एंड दिस इज़ हाउ द एनर्जी ट्रांसमिट एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है. दूसरी और अहम बात यह है कि जब आप खाना बनाने लगें,
तो आप वुजू करके खाना बनाएं। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि जब आप वुजू करके अपने आप को पाक और पाकीज़ा करके किचन में पांव रखते हैं, कदम रखते हैं, और उसके बाद क्यों देखें जब हमारे घर में न्याज बनती है, तो सबसे पहले हम मतलब मेरी प्रैक्टिस ये और बहुत सारे लोग आई एम श्योर मुझसे भी इससे भी ज़्यादा करते होंगे, पूरे किचन की सफाई होती है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक किचन साफ़ होता है, उसको क्लियर किया जाता है, साफ़ करने के बाद उसको पाक करके जगह को फिर आप खुद पाक होते हैं, गुसल करते हैं, आप वुज़ू करते हैं, वुज़ू करने के बाद फिर आप उस जगह पे खड़े होकर, और मैं तो मोस्टली अपने जब न्याज होती है तो कोई अल्लाह का अल्लाह की हम नात मनकबत या कोई ना कोई ऐसा कलाम लगा के उसकी वाइब्रेशंस के साथ मैं न्याज बनाती हूँ। अब ये मैं न्याज की हद तक करती थी आज से तकरीबन 6-8 महीने पहले तक। फिर मैंने ये सोचा कि जब ये हम न्याज बनाते हैं और उसके लिए हम ये सब कुछ करते हैं और ये सारा मामला, तो हम हर रोज़ क्यों नहीं इस तरह से करते। अब मेरे घर में जो प्रैक्टिस है वो ये कि हर रोज़ अगर मैं खाना नहीं भी बना रही, मेरे घर में जब खाना बनता है तो ये तमाम चीज़ें, चाहे अलहम शरीफ, यासीन पाक, सूरह रहमान, इमाम अली मना जाते इमाम अली, जोशन कबीर, और जो भी ये चीज़ें हैं जो अल्लाह के नाम हैं, जो दुआएं हैं, सूरह यासीन, सूरह रहमान, ये तमाम चीज़ों को मैंने एक USB में डाल के रख लिया है। और एक वो जो मैंने कहा था ना कि क्या चीज़ें हमें करनी है, एक इन्वेस्टमेंट करनी है हम लोगों ने। इन्वेस्टमेंट छोटी है और इसका जो प्रॉफिट होगा इट्स गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग। वो इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एक ब्लूटूथ ले लें और उस ब्लूटूथ को जिस वक्त आप उस ब्लूटूथ के अंदर आप एक या तो USB ले लें या उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड होता है वो आप डाल लें, और उस जैसे ही जब सुबह के दिन हो, दिन का आगाज़ हो, आपने करना ये है कि आपने ये, क्योंकि किचन में पड़ा होता है तो सारा आटा लगा हुआ है, अच्छा ये इस तरह का एक आप ये ले लें, ये आपको 1,500 से 3,000 रुपये तक में ये मिल जाएगा। ये मैंने मिनीसो का लिया हुआ है, खैर मैं मिनीसो की वो नहीं कर रही पब्लिसिटी, बट ये इस तरह का स्पीकर है जो हर किसी के घर में होता है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास होती है। करना ये कि बस इसके अंदर आपने USB डाल देनी है। मैं आपको बल्कि बताती हूँ कि किस तरह से हमें जिस वक्त सुबह बाजी आती हैं उनको मैंने कहा है कि पहला काम आपने ये करना है बिफ़ोर यू स्टार्ट वर्किंग इन द किचन, बर्तन धोने, जो भी सफाई, और बिलखसूस खाना बनाने से पहले आपने ये ब्लूटूथ ऑन करना है। और इस ब्लूटूथ को ऑन करेंगे तो इसके अंदर ये यहाँ पर एक इसकी वो है मेमोरी स्टिक, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरे किचन में बजें। ये देखें, ये आप खुलते हैं तो ये आपके ये स्टार्ट होते जी अलहम शरीफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं ना कि कहते हैं कि कोई भी शख्स बीमार हो, उसकी बीमारी ना जा रही हो, तो आप 70 times उसके ऊपर दम करें या पानी के ऊपर, कहा हम सुनते हैं ना बुज़ुर्गों से, पानी पे फूंक कर तो उनको पिलाएं। ये अलहम शरीफ मैं हर रोज़ कोई एक चीज़ करती हूँ बिकॉज़ इसमें ये रिपीट के ऊपर मैंने लगाया हुआ है कोई एक चीज़, यानी अगर जोशन कबीर है, अगर वो उस दिन चूज़ कर दिए, इस मेमोरी कार्ड में वो तमाम चीज़ें हैं, वो अगर चूज़ की है तो उसमें वो तो माशाल्लाह इतनी लंबी है तकरीबन लाइक 40-45 मिनट्स की है कि वो फिर थ्रू आउट वो चलती रहती है और फिर वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है। अलहम शरीफ आपको पता है कि कितनी बेहतरीन है। अलहम शरीफ को के बारे में कहा जाता है कि फूंक के बीमार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा तो उसको फूंक के तो आप वो करें तो उससे आपकी शिफा होती है। अब ये जब ये चलता है, ये मेरे घर में जैसा खाना बनना शुरू होता है तो ये चलना शुरू हो जाता है ब्लूटूथ के अंदर, थ्रू आउट ये सारा चल रहा होती है, बार बार रिपीट हो रही होती है। क्या है, व्हाट इज़ दिस दीज एंड माय बाजी इज़, उनको रिक्वेस्ट मैंने की हुई है और मैं इस पर थोड़ी सी सख्ती भी करती हूँ। आई टेल देम मेक श्योर कि जब किचन में खाना बन रहा है तो आप फ़ोनों पे बात नहीं करेंगे, खीखी हे ये वो सब कुछ नहीं होगा। आपने बात करनी है, आप बाहर जाके आधा घंटा बात करें, जो भी आपका मसला है उसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद किचन में आए। कान इसके साथ लगा हुआ और खाने बन रहे हैं, नॉट अलाउड इन माई हाउस। देर आर अ फ्यू प्रिंसिपल दैट आई फॉलो एंड आई डोंट लेट एनी वन
डू दैट, बट इट्स अनफॉर्चुनेट हम खुद आजकल ये कर रहे होते हैं. सो मेरे घर में तो इट्स अ नो नो, बिग नो. ठीक है जी, ये चीज़ लग जाती है. अब इससे होता क्या है? अब इससे होता ये है कि जब एक शख्स खाना बना रहा है, अल्लाह का नाम सुन रहा है, तो उसकी भी कनेक्टिविटी अल्लाह के साथ जुड़ गई है. वो उसी का जिक्र कर रहा है, वो उसी का जिक्र सुन रहा है, वो उसी को सोच रहा है. और जब उसकी याद के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, आप वो कुछ कुछ पढ़ भी रहे होते हैं. मेरी जितनी बाजियाँ हैं उनके उनको आदत है, वो दुरूद शरीफ थ्रू आउट पढ़ते रहते हैं. उसकी वजह से घर में बनने वाला खाना, आपका किचन आपके घर का सबसे अहम तरीन जगह है. जब आपके घर के किचन में इस तरह का कलाम लगता है, फिर उससे होता क्या है? फिर उससे होता यह है कि आप एक तो बनाने वाला अल्लाह के साथ याद, फिर वो जो खाना बन रहा है उसके अंदर भी वो तमाम वाइब्रेशन, एक एक लफ्ज़ कुरान का वो जा रहा है. दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके किचन के अंदर डिस्पेंसर भी पड़ा हुआ है, आपके किचन के अंदर फ्रिज भी पड़ा हुआ है, आपके किचन के अंदर आटा भी पड़ा हुआ है, तमाम मसाले पड़े हैं. इस ऑडियो की, इन कलमात की जब वाइब्रेशंस पूरे किचन में जाती हैं, तो आपकी हर चीज़, आपका नमक, आपकी चीनी, आपका पानी, आपका बनने वाला खाना, आपका गूंदने वाला आटा, आपके फ्रिज की बर्फ़, आपकी हर चीज़ में वो तमाम वाइब्रेशंस जाती हैं. जब वो तमाम वाइब्रेशंस जाती हैं, तो वो उस घर में बनने वाले खाने को और उस किचन में मौजूद हर चीज़ को, अल्लाह के नाम उसमें शामिल हो जाता है. और उसके घर, उस किचन से बन के आने वाला जो खाना है, वो खाली खाना नहीं होता, वो खाना नहीं बल्कि वो एक नियाज होती है, वो एक तबरुक होता है, वो मुतबरक होता है, वो मुबारक होता है, और वो लंगर होता है. वो दस्तरखाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत से अगर आप बनाएं, तो इवन आपके घर में खाने वाले जो हैं, वो भी दस्तरखान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाते हैं. क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो हमारा कुछ है नहीं, हमारे पास तो जो कुछ है वो हमारे आका के नाम के सदक़े में हमें मिला है. सो जब ये चीज़ होती है, अगर ये आप करें एंड बिफोर, अच्छा चलें, अगर ऐसा, पहली बात तो ये कोशिश करें कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता या कोई आप नहीं भी है, उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा घर में, आप जब खाना खाने लगें, Before you have food, Bismillahirrahmanirrahim. उस खाने के अंदर शुक्रगुजारी की, थैंक यू की, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस डालें. वो अपनी सोचों और अपने दिल को इकट्ठा करके उसका, उस खाने पे अल्लाह का शुक्र अदा करें. वो दाल है, वो सूखी रोटी है, वो आलू की भुजिया है, वॉट एवर इट इज़, आप खा सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, there are many people in, even in my family, very close relatives, उनकी इस कदर बीमार रहे हैं, वो इस कदर बीमार हैं, बस अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह आंटी को शिफा अता फरमाए. वो इस कदर बीमार हैं कि उनके अंदर अब खाना नहीं जा रहा. वो जो खाती हैं, बिकॉज उनका जो कैंसर है वो पूरा फैल गया बॉडी में, वो जो खाती हैं सब बाहर आता है वॉमिटिंग की सूरत में. शी कैन नॉट डाइजेस्ट अ सिंगल सिप ऑफ वाटर. सो इस बात के ऊपर कि हमारे सामने खाना पड़ा हुआ है और हम इसको खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात के ऊपर हमें अल्लाह का शुक्र गुजारी करनी है. खाना आपने बनाया अल्लाह की याद में, अल्लाह की वाइब्रेशन में. अच्छा अच्छा सोच, आपको याद है एक ज़माना था, माएँ कहा करती थी, बेटा जो अगर मियाँ के घर में दिल करना है ना, तो उसका रास्ता एक है पेट. ये बातें हम सुन के ना हंस देते थे मुस्कुराते थे. फिर हमने हमेशा ही सुना होगा, अच्छा तुम चाहती हो तुम्हारे मियाँ के दिल में, पता नहीं वैसे मियाँ क्यों नहीं ऐसे करते, हमेशा बीवियों को क्यों ये शौक़ होता है कि मियाँ उनसे मोहब्बत करें, मियाँ क्यों नहीं ये करते कि हमारी बीवी, हम भी अपनी बीवी के लिए या वदूदो पढ़ें कि उसके दिल में हमारी मोहब्बत हो. आई थिंक मोहब्बत सारे करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि औरतों को ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको बताया जाए बार बार कि वो उनसे कितनी मोहब्बत की जाती है. बहरहाल, सो द थिंग इज़ कि ये कहा जाता था, बुज़ुर्ग कहती थी हमारी ख़वातीन, औरतें बुज़ुर्ग कहती थी कि अच्छा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे मियाँ के दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो, तो वर्द करो, या वदूदों का वर्द करो चीनी के ऊपर. ये तमाम चीज़ें क्या हैं? या वदूदों का मतलब क्या है? प्यार करने वाला. सो ये वो उस वर्ड की वाइब्रेशन है. आपको याद होगा एक ज़माने में अर रहमान, सूरह रहमान की
थेरेपी कितनी मशहूर हुई थी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में, ठीक है जी। तो वो क्या था अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में जो थेरेपी थी, वो क्या है? वो वाइब्रेशन ऑफ वर्ड्स हैं, वो वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स हैं जो क्रिएट की जाती हैं उस आवाज़ के ज़रिए। और फिर उस पानी को रखा जाता है, फिर उसके बाद 3 घूंट में पानी पिया जाता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जाइजिंग वाटर विद कलाम-ए-इलाही। अब कलाम-ए-इलाही से वाइब्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव कलाम है। फिर आप अपनी सोचों से, अगर आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपसे मोहब्बत करने लगे, आप ये अब पानी रख के आप ना पिलाएं उस शख्स को, आप खुद पिएं। आप ये इमेजिन करना शुरू, जस्ट स्टार्ट टेलिंग दैट द पर्सन लव्स मी एंड यू विल सी, यू विल स्टार्ट टू सी दैट इट विल स्टार्ट टू हैपन। हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेते हैं बिकॉज ऑफ आर थॉट्स। सो कमिंग बैक टू द किचन फूड, आपका पूरा जब आपके उस किचन में से, बाबरकत किचन में से अल्लाह का कलाम लग के जब वो खाना आएगा, आपके बच्चे खाएंगे, आप उस टेबल के ऊपर अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे, अपने बच्चों के साथ बैठ के अच्छी अच्छी गुफ्तगू बातें करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कितना जो आपका खाना है, उस खाने के अंदर जो आपकी सोचें हैं, वो आपके खाने को इन्फ्लुएंस करती हैं, और जो आपका खाना है वो आपकी सोचों को इन्फ्लुएंस करता है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी, अच्छा एक और चीज़ जो अहम है, अक्सर औकात हम खाना बनाते हैं, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आर हाउस इफ़ यू हैव टू। अच्छा फिर जैसे हम खाना बना रहे होते हैं ना, तो फिर खाना बनाने के बाद हम वेट कर रहे होते हैं कि अब देखो कौन मेरे खाने की तारीफ़ करेगा, और अगर कोई गलती से आपके खाने की तारीफ़ ना करे तो डू यू नो व्हाट वी डू? आप लोगों के लिए तो खाना फ़ायदा ही कोई नहीं है, इस घर में तो कोई काम कर लो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि आपकी तारीफ़ नहीं हुई। एंड यू नो आप इस बात के ऊपर नाराज़ भी हो जाते हैं, दिली दिल में नाराज़ हो जाते हैं, खुद ही नाराज़ होते हैं। और जब आपका मियाँ पूरा दिन गुजारने के बाद वापस आता है सुबह, ये कह के कि भाई मेरी जो भी तुम बहुत अच्छा बनाती हो, मगर मेरी माँ के हाथ का ज़ायका नहीं है। उसकी माँ के हाथ का ज़ायका इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी माँ पता नहीं अपने बच्चे के बारे में क्या क्या सोच सोच के, क्या पॉजिटिविटी सोच सोच के खाना बनाती होगी। अब हम इसलिए हम ये सोच सोच के कर रहे होते हैं, आज भी लगता है खाना पसंद नहीं आएगा इसको, यू नो और वट एवर। एंड आई नो नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, आई नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रेज, बट ऑफ कोर्स आई एम कुकिंग बिकॉज आई हैव टू कुक, यू नो। सो जब आप खाना बनाएं तो जहन में एहसान नहीं जिताना, ये जो एहसान जिताना है ना, इसको तो अपने दिल दिमाग ज़िंदगी से निकाल के फेंक दें। जहाँ हम एहसान जिताते हैं, इट्स लाइक एक बकरी होती है ना, वो दूध देती है, और दूध देने के बाद उसी दूध के अंदर मींगने अगर डल जाएं, हम कहते हैं ना दूध दे के मींगने डाल दें, इट्स जस्ट लाइक दैट। सो डू नॉट एहसान जिताना आउट ऑफ योर लाइफ, इट्स अ बिग बिग नो। एहसान नहीं जताना, जो करें दिल से करें, कोई तारीफ़ करता है वेल एंड गुड, नहीं तारीफ़ करता नो प्रॉब्लम, आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई टू मेक समथिंग बेटर दैट यू विल लाइक एंड आई विल कीप ट्राइंग टिल यू नो टिल और आई कीप ट्राइंग नॉट टू हेयर द प्रेज, बट आई विल कीप ट्राइंग बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल मेक इट लव, राइट? सो नो फोन कॉल्स, नो गॉसिपिंग ऑन द फोन वाइल इन द किचन, वाइल कभी भी नहीं करना, बट किचन में तो बिल्कुल भी किसी से बात करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। सो दीज आर द वाइब्रेशंस, हम अपने घर में बनने वाले खाने को तबर्रुक बनाएंगे, हर रोज़ न्याज बनेगी हमारे घर में, हर रोज़ हमारे घर में लंगर होगा, हर रोज़ हमारे घर में दस्तरखान रसूल अकरम और अहले बैत अतहार होगा अपने घरों के अंदर। मुझे याद है मैं बचपन में, मुझे आज भी याद है क्योंकि हमारा बहुत वक्त नानों के साथ गुजरा, माय मदर वाज़ अ वर्किंग वुमेन, सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद आर नानो। सो उनसे बहुत कुछ सीखा, वो जब भी खाना बनाती थी बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के नातें पढ़ती रहती थी। उस ज़माने में ये ब्लूटूथ तो नहीं होते थे, मगर वो इस तरह से नातें पढ़ती रहती, हमें कहती थी अच्छा चलो तुम मुझे कोई सुनाओ, तुम्हें कोई आती है या कोई इस तरह की मनकबत एंड ऑल दैट। सो ये करते हुए होता था, तो देखें घरों के अंदर, दिलों के अंदर कैसी मोहब्बत, कितना रिलेशनशिप्स में कितनी अपनाइयत, ये सब कुछ ये उनका अफेक्ट होता है। आप आयतुल कुर्सी लगाएं, आप जैसे कि मैंने पहले कहा जोशन कबीर लगाएं, आप सूरह यासीन, सूरह रहमान, ये जो खूबसूरत अल्फाज हैं अल्लाह सुबहाना बताला के, सूरह बकरा सुने,
वट एवर एनी थिंग मुनाजात इमाम अली और जो भी आपकी फेवरेट दुआएं हैं वो आप लगाएं और उनकी वाइब्रेशन से मुस्तफीद हों और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो हमारी सोच होती है वो हमारे खाने में जाती है और फिर इफ़ेक्ट करती है वाइब्रेशन उसकी एनर्जी, जिससे फिर हम एनर्जाइज होते हैं। आयत कुछ अरसा पहले तक, तकरीबन 6-8 महीने पहले तक, शी वुड नॉट हैव फूड विदाउट वॉचिंग टीवी और कार्टून। मैंने उसको बात समझाई, अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझ आ गई। अब कई दफ़ा बाकी बच्चे नूरिया या मोहम्मद अली अकबर कर रहे होते हैं ऐसे, तो शी इज़ द वन हु इज़ टेलिंग एवरीवन, नो यू नॉट सपोज डू दैट, ऑल द नेगेटिविटी गोज इनसाइड, सो यू डोंट डू दैट। लाइक आई फील सो हैप्पी। एंड द मोमेंट कई दफ़ा वो खाना को डिले कर रही होती है बिकॉज शी इज़ वॉचिंग समथिंग, लाइक मामा जस्ट वेट, मैं भी थोड़ा सा कर लूँ फिर मैं खाऊंगी, बिकॉज शी नोज इन हर, इतना वो उसके दिमाग में ये बैठ गई है कि खाना खाते हुए मैंने टीवी नहीं देखना। तो वो खाने को बेशक डिले कर देती है मगर वो टीवी या कोई कार्टून साथ नहीं देखती। पहले तो ये कि मैंने उसके कार्टून से कोशिश करती हूँ कि कम ही इन चीज़ों के साथ हो, बिकॉज इनकी भी एक वाइब्रेशन है विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव। एनी वे, सो इट्स अ बिग बिग नो। सो शी डज नॉट इन माई हाउस, मेरे घर में टेलीविज़न के साथ खाना बिल्कुल नहीं खाया जा सकता, ये है। फिर दूसरा एक मेरे घर का और उसूल है, मेरे घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो मैं उन लोगों से सबसे फ़ोन्स लेके एक साइड पे एक बास्केट होती है उसमें डाल के रख देती हूँ, यू आर हियर टू स्पेंड सम टाइम, फिर मेरी परमिशन से मतलब मेरे ऑब्वियसली नॉट मेहमान, आपको पता है अभी 4-5 महीने से तो मेहमान वो आ नहीं रहे, अपने घर वाले मतलब जो इमीडिएट फैमिली है, सो वो सारे फ़ोन्स एक साइड पे होते हैं and you know they are not allowed to touch the mobiles. You are here together, you are here with the family, so just spend time saath saath dekh rahe hain, saath saath ye kar rahe hain. Hota aisa nahi hai ki nahi hota, hota bhi hai kai dafa, zahir hai agar wo ek ya do din ke liye aaye hain to phir nahi aisa ho sakta, magar agar koi dinner pe aaya hai ya lunch pe aaya, all the mobiles have to be there, bilkul darwaza kholne ke saath hi ek basket padi hoti hai aur uske andar sare mobiles jo hote hain wo chale jaate hain. अच्छा जी, अब जो इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ है वो ये है कि खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं एक एनर्जेटिक फूड के लिए। एक तो ये कि हमारे घर में आने वाला जो रिस्क है वो हलाल हो, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हम कई दफ़ा ज़िंदगी में बेसिक चीज़ों का ख्याल नहीं करते और ये बेसिक चीज़ें ही हमारी ज़िंदगियों में असर डालती हैं। हम अक्सर आज कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, समझ नहीं आती, हम तो इनको बहुत सब कुछ करते हैं, बट यू नो देर आर मैनी मैनी थिंग्स इन्वॉल्व इन वॉट वी डू इन आर लाइव्स। रिस्क हलाल, एक जो किसी का हक मार के ना खाया हो ना कमाया हो, एक दूसरा ये कि कई दफ़ा हम कमाने के चक्कर में अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ रवैया इतना बुरा रखते हैं कि हम दुआएं कमाने की बजाय हम लोगों की आहें ले रहे होते हैं। द वंस हु आर पीपल, द वंस हु आर वर्किंग फॉर अस, चाहे वो हमारे किचन में काम करने वाला हो, चाहे हमारे घर में काम करने वाला हो, चाहे हमारा ड्राइवर हो, चाहे हमारे बाकी के प्रोफेशनली हमारे साथ हों, वी विल लेट देम डाउन, वी विल इतना उनके साथ बुरा करते हैं, इतना हम बुरा भला बोलते हैं, इतनी गलत चीज़ें करते हैं, और उनकी वो और ख़ास तौर पे जो किचन में काम करने वाला बंदा है, बिल्कुल वैसे तो हर कोई बट बिलखसूस जो किचन में काम करने वाला बंदा है, अगर आप उसको डांट देंगे या अगर आप उसको इंसल्ट करेंगे या आप उनको मिसबिहेव करेंगे तो आप सोचें कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। बल्कि जब ये लोग आएँ तो उनसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें, उनको अच्छे मूड में लेकर आएँ, अच्छे मूड में आने के बाद जस्ट गिव देम, टेल देम टू जस्ट सिट देयर, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा रिलैक्स करें, 5 मिनट पानी पिएं, हवा में बैठें, उसके बाद किचन में काम करना शुरू करें। आपको पता है जिस वक्त कोई बच्चा पैदा होता है और वो उसकी जो वो बच्चा छिले में होता है, लाइक वो 40 डेज जो होते हैं उसमें, जब कोई बाहर से आता है ना कोई मिलने के लिए, तो फौरन बच्चे के पास नहीं लेकर आते, दे ऑलवेज मेक श्योर कि बाहर लाउंज में या ड्राॅइंग रूम में थोड़ी देर के लिए बच्चे को बिठाया जाए, और बिठाने के बाद जब वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो फिर उस बच्चे से मिलाया जाए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के ऊपर बाहर से आने वाले के जो का जो इफ़ेक्ट है, थकावट है या झुरझुराहटपन है या एग्रेशन है, इरिटेशन है, वो उसको कूल डाउन करके फिर बच्चे से मिलाया जाता है। ये बच्चों की हमारे
बुज़ुर्गों की वो बातें हैं जो हम लोगों ने सीखी हैं और देखी हैं। तो इसी तरह से अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ ये करेंगे, थोड़ा सुकून करें, टाइम लें, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग इन अ ग्रेट पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लोग इस घर में आने वाला, अब एक मैं मिसाल दे रही हूँ, जैसे हम लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल हिजाबीज है, हम लोग हिजाबीज हमारा एक जो बिज़नेस है इसमें मैंने क्लाइंट को कुछ भेजा और वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया और क्लाइंट ने कहा कि मुझे तो ये किसी फ़ायदे का नहीं है या मेरे मुझे नहीं, आप मुझे इसको एक्सचेंज कर दें। हमारे देखें कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स होती हैं जितने इन विच वी से कि विद इन 10 days विद रिसीव वी हैव टू चेंज। इवन देन इफ द क्लाइंट्स देयर टाइम्स दे इंसिस्ट और बहुत मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को, मैं बच्चों को ये बात कहती हूँ कि बेटा इफ़ समवन डजंट वांट टू कीप समथिंग व्हाई डू वी हैव टू फोर्स देम। मैं कभी लोगों की वार्डरोब्स में हिजाबीज का कोई प्रोडक्ट नहीं रखना चाहती इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव इट। अगर उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई है और अगर वो उनके यूज़ की नहीं है, उनके काम की नहीं है, एंड इफ़ दे हैव दैट वैलिड रिसीप्ट है, सब कुछ है, वी विल एक्सचेंज, वी विल, वी डोंट वॉन्ट टू यू नो उनको, उनके ऊपर मैं ये ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती कि यू हैव टू वेयर दिस। नो, ज़बरदस्तियों से आप वो पैसे तो कमा लेंगे मगर वो जो खूबसूरत वाइब्रेशन और जो खुशी और वो जो कंटेंटमेंट और जो सेटिस्फेक्शन, दैट्स नॉट गोइंग टू बी देयर। सो इफ़ समबडी डजंट वांट समथिंग जस्ट गिव देयर मनी बैक। हम और मज़े की बात यह है, मेरे साथ हज़ारों दफ़ा, कई दफ़ा ऐसा होता है लोग लेके जाते हैं एंड देन दे ऑब्वियसली होता है दे कम बैक जी हमें कलर चेंज कर दें और द मोमेंट वो कलर चेंज करा के कुछ और लेते हैं, 1-5 मिनट के अंदर अंदर हमारा वो जो प्रोडक्ट होता है वो बिक जाता है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट दैट। So these are the most important thing that I wanted to share with you. Energize your food, apne zehno ko ek achhi state of mind mein rakhein, apne khano ko energize karein, pani peene mein aapko balki Laiba mere paas ek glass hai, one of my very good friends unhone mujhe diya tha long time back, uska jo wo jo pani mein usi mein hi mostly pani, Laiba तो उसमें वो, बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह का ग्लास है, उसके यहाँ पर लिखा हुआ है लव और दूसरी साइड के ऊपर लिखा हुआ है विजडम। सो उसमें मैं पानी रख के एंड आई जस्ट ड्रिंक वाटर इन इट। जिन वर्ड्स को आप बोलते हैं पानी के ऊपर, जो वर्ड्स आप खाने पे बोलते हैं, दैट इफ़ेक्ट यू डायरेक्टली एंड इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। मैं अभी आपको मैंने भी रिसेंटली खुद एक्सपीरियंस किया। आई हैड नेवर यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग, नॉट स्टडिंग बट रीडिंग, एंड आई स्टार्टेड एनर्जाइजिंग हर वाटर सेइंग दैट माय डॉटर लव्स टू रीड, माय डॉटर इज वेरी मच इनटू रीडिंग, शी लव्स टू रीड एंड शी टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर स्टडीज। आप यकीन करें, फ्रॉम लास्ट 1 month आई हैव सीन ड्रास्टिक, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ एंड आई वॉन्ट यू टू दैट। आप बच्चों को, अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, उनको डांटने की बजाय स्टार्ट टेलिंग देम, उनके जब वो बैठे हों, बेशक आप ऊंचा ना बोलें, आप उनके फूड के ऊपर बस ये कहें माई चिल्ड्रन आर द बेस्ट चिल्ड्रन इन द होल वाइड वर्ल्ड, माई चिल्ड्रन लिसन टू मी, माई चिल्ड्रन आर द you know take interest in studies and they behave themselves in all what you just want them to do and you will see the miracle happening. Our words manifest, words become things, law of attraction. Our words have such power and they create such amazing energy. So हर सोचने वाला, हर सोच और हर बोलने वाला लफ्ज़ और लफ्ज़ और ज़बान से निकलने वाला लफ्ज़ और सोचों में आने वाले जो अल्फाज हैं उनको सिंक्रोनाइज करें। वन, बिकॉज इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स एंड यू आर डूइंग, यू आर सेइंग समथिंग एल्स, थिंकिंग समथिंग एल्स, इट डजंट वर्क। दैट्स वाई जब हम नमाज़ पढ़ के फारिग होते हैं और हम कहते हैं पता नहीं कबूल भी हुई है कि नहीं हुई, और हंसते हैं कि मैं सोच कुछ और रही थी, पर
आपको सुकून नहीं मिलता इस चीज़ के ऊपर, आपको नमाज में भी सुकून नहीं मिलता, आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सुकून नहीं मिलता अगर आप किसी से कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल, सैटरडे संडे वंस अ डे आई विल बी रिकॉर्डिंग वन शो विद वन ऑफ द सेलिब्रिटीज, शी विल बी द होस्ट एंड आई विल बी द काइंड ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ जस्ट give you a bit of motivation. She will be asking me a lot of questions. So soon we are starting this new series which is going to be recorded and it's going to be inshallah very beneficial for you all. And in that you can also send me mujhe zarur yahan par ya mujhe aap inbox kar de email kar de, aap mere page ke upar agar aap dekh rahe hain to upar wo email ka button hoga usko karenge to you will directly go to the email address will come over there. तो आप मुझे ईमेल करें उन तमाम टॉपिक्स का कि जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि गुफ्तगू की जाए, जो भी आपको चीज़ें बॉदर करती हैं, जो भी एरियाज़ हैं वो यू थिंक यू नीड सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन और सम काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर दैट मैटर. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम टेकिंग ऑल द गाइडेंस बाई यू नो टॉकिंग टू यू ऑल, एंड आई एम ऑल्सो हैविंग दिस जर्नी ऑफ यू नो इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी दैट आई एम ऑन दैट पाथ. And I want to hold hands with you and let's walk and let's move forward and let's empower our souls. Let's empower our mind, our thoughts, and we have to empower our souls. Why? Because by empowering our souls, we have to prepare our soul to fly, because it eventually, main kabhi bhi maut ko tension soch ke nahi leti. मैं अपनी मौत की ख्वाहिश नहीं करती कि जल्दी आए, क्योंकि एक दिन तो आनी है, मगर मैं अपनी मौत के लिए प्रेपरेशन ज़रूर करने की कोशिश कर रही हूँ. सो दिस सोल हैज़ टू फ्लाई एंड आई नो द डे व्हेन द सोल विल फ्लाई. आई एम गोइंग टू मीट माय इमाम, माय इश्क, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब. इंशाल्लाह मेरा ये यकीन, मेरा ये ईमान कि मैं इंशाल्लाह मेरी मुलाकात इमाम होगी. तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें अपनी सोल को एम्पावर करना है कि हम उस अल्टीमेट सोल से मिल सकें. सो दिस इज़ जस्ट अ प्रोसेस ऑफ यू नो एम्पावरिंग आर सोल. सो इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी गिविंग यू द प्रोमोज विल ऑल्सो स्टार्ट. सो इट्स फ्रॉम द नॉट नेक्स्ट वीक we are starting the recordings, but agle hafte se usse agle hafte most probably inshallah. What date is it today? It is 11th June. 11th confirm, you sure? No, tomorrow was 11th, right? Seriously, I don't know. So 11th, no, it's 11th June, right? It is, yeah. So from most probably 1st July, inshallah, from 1st July we will be start doing these live sessions. Just wait for another like 15-20 days. Why you're not doing them? What? Ever again? No. We will be doing the live. Not we'll be doing the recording with someone. Anyway, thank you so much, ji. Energize your food. हर चीज़ के साथ एक रिश्ता है. खाने और पीने के साथ, पानी के साथ, खाने के साथ भी एक रिश्ता है. उस रिश्ते को भी थोड़ा खूबसूरत बनाएं. अपना बहुत ख्याल रखें. Look after yourself. Keep smiling and face. Stay awesome, stay sweet, and don't forget to be nice to each other. Bye bye. Allah Hafiz. Allah.